पंजाब दे खजाना मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने विधानसभा विच साल 2013-14 दा बजट पेश कीता है। दूजी वारी बजट पेश कर रहे वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने 69,051.78 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। 9,258 करोड़ रुपए वित्तीय घाटे वाला बजट पेश किया गया है, जो कि 13वें वित्त कमीशन वालों निर्धारित किए गए 3% टीचे के मुकाबले राज के कुल घरेलू उत्पाद का 3% है। खजाना मंत्री ने दसिया है कि सरकार नू वैट वसूली राही 20,000 करोड़ रुपए तो वध आमदन होगी, जबकि टैक्स मालिया उगराही विच साल 2010-11 विच 16,828 करोड़ रुपए के मुकाबले साल 2011-12 विच 18,841 करोड़ रुपए वसूले गए ने। खजाना मंत्री ने दसिया कि देश भर में सब तो वध तनखाह पंजाब विच दित्ती जांदी है, जो विकास दर का 18.02% है, जबकि 1,747 करोड़ रुपए का आमदनी घाटा भी दर्शाया गया है, जो राज्य के कुल घरेलू उत्पाद का 0.57% है। उन्होंने कहा कि सिक्ख्या सेहत और खेती खेतर समेत हरेक खेतर नूं तरजीह दी गई है। बजट विच बच्चों बजुर्ग और गरीबों लई खास रियायतां, बच्चों लई स्कूल बैग, पेंसिल, रबर, शॉपनर और होर समान ते वैट मुक्त कर दिता गया है। इस तरह सीनियर सिटीजन वास्ते सुनन वालियां मशीनां, अखां दे लेंस और खुंडियां नूं वैट मुक्त कर दिता गया है। इस तरह घरेलू वरतों दीआं चीज़ां अते रसोई दे समान नूं भी वैट मुक्त कर दिता गया है। कोल्ड ड्रिंक ते वैट 13% तों वधा के 20% कर दिता गया है। इस दे नाल ही पंजाब सिगरटां भी महंगीआं कर दित्तीआं गईआं ने। पंजाब सरकार नूं कोल्ड ड्रिंक अते सिगरटां ते भी वधाईआं गईआं वैट दरां नाल 180 करोड़ रुपए मिलणगे। उधर सरकार वालों दी जा रही मुफ्त बिजली की सबसिडी 5,511 करोड़ तो वधा के 5,785 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस दे नाल ही पंजाब दे सिर कर्जा वध के 86,453 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार नूं इस कर्जे नूं उतारन लई 6,986 करोड़ रुपए व्याज वजो देने पैणगे। उन्होंने दस्सिया कि सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि गुआंढी सूबे भी कर्जे दे बोझ हेठ ने, जिन्हां विच हरियाणा 53,700 करोड़ रुपए, कर्नाटका 1,08,20 करोड़ रुपए, तमिलनाडु 1,28,940 करोड़ रुपए ते महाराष्ट्र 2,57,220 करोड़ रुपए कर्जे हेठ है। इस तरह भारत सरकार से कर्जा 44,68,714 करोड़ रुपए हो गया है। पंजाब अंदर नाइट पुलिस सर्विस अते अमृतसर नूं पायलट प्रोजेक्ट वजों सेफ सिटी वजों विकसित करन दा फैसला किया गया है। खुदकुशी कर चुके किसानों के पीड़ित परिवारों की मदद लई 66 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पंजाब सरकार ने खेतीबाड़ी सैक्टर लई 1,063 करोड़ रुपए, जल सप्लाई 393 करोड़ रुपए, सिंचाई 1,103 करोड़ रुपए, बिजली 3,209 करोड़ रुपए, रोड ट्रांसपोर्टर 4,200 करोड़ रुपए, बुनियादी ढांचे उत्ते 14,908 करोड़ रुपए, सैर सपाटा अते सभ्याचार 57 करोड़ रुपए, हरा पंजाब प्रोजैक्ट 90 करोड़ रुपए, खेडां 91 करोड़ रुपए, सेहत 3,443 करोड़ रुपए, मैडिकल सिक्ख्या 136 करोड़ रुपए, समाजिक सुरक्षा 1,118 करोड़ रुपए बजट विच रखे गए ने। सरकार वालों सुरक्षा सेवावां 26 करोड़ रुपए, राज प्रबंध सुधार 39 करोड़ रुपए बजट विच रखे गए ने। सरकार ने सिक्ख्या खेतर लई रखे गए बजट चों सर्व सिक्ख्या अभियान 1,241 करोड़ रुपए, मिड डे मील स्कीम 269 करोड़ रुपए, ICT प्रोजेक्ट 311 करोड़ रुपए और 11वीं जमात के विद्यार्थियों नूं मुफ्त टैबलेट देने 30 करोड़ रुपए रखे ने। सूबे अंदर निजी भागीदारी तहत 1,000 नवें मॉडल स्कूल, हरगोबिंद खुराना स्कॉलरशिप स्कीम, मरीन अकैडमी, बाबा दीप सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, कुड़ियां नूं मुफ्त तकनीकी सिक्ख्या और खेती सहायक कित्यां लई औरतां नूं सबसिडी मुहैया करवाउण दा भी ऐलान किया गया है। बजट विच इह वी दस्या गया है कि गरीबां लई भगत पूरन सिंह सेहत बीमा और मुफ्त दवाई स्कीम शुरू की जाएगी और मुख्यमंत्री आवास योजना 100 करोड़ रुपए की तजवीज़ तो इलावा नन्नी छां, इस्त्रियां अते सशक्तिकरण 10 करोड़ रुपए रखे गए ने। इस स्कीम तहत लड़कियां 30,000 रुपए प्रति साल वजीफा दिता जाएगा। इस स्कीम आटा दाल परिवारां नाल संबंधित लड़कियां लई एक नवीं नन्नी छां स्कॉलरशिप स्कीम होवेगी। 2011-12 विच 3.1% तों वध के 2012-13 विच 3.13% हो गया, जदों कि 2011 दी जनगणना अनुसार कौमी आबादी विच साढ़े 2.29% दे हिस्से वजों है। द
0.57% है। ये टीचा पंजाब लई सारे सालों तो घट है। साल 2013-14 लई भारत कुछ वस्तां जो बच्चे सीनियर सिटीजन अते गरीब लोग वरतते हैं उन्होंने वैट तो छोट देने की तजवीज़ है। सॉफ्ट ड्रिंक्स अते सिगरटां दो अजिहियां वस्तां हन जिन्हां उपर टैक्स वधाउण की तजवीज़ है। वित्त मंत्री पंजाब वालों पेश किए गए बजट में पंजाब की सुरक्षा लिए कई करोड़ की राशि रखी गई है। विशेष तौर पर रैपिड रूरल सिस्टम बनाया गया जिस विच टैलीफोन करन ते पुलिस 20 मिनटां विच हाजिर हो जाएगी। इस अलावा अमृतसर अते लुधियाना विच यकीनी बनाउण लई सैकड़े सीसीटीवी कैमरे अते होर सुरक्षा उपकरण लगाए गए ने। रैपिड रूरल पुलिस रिस्पोंस सिस्टम साडी सरकार पूरे देश विच पहला रैपिड रूरल पुलिस रिस्पोंस सिस्टम शुरू करेगी। इस सिस्टम के तहत दूर तो दूर पिंडां विच एक टैलीफोन करन ते 20 मिनट तो पहला पहला पुलिस सहायता लई पहुँचेगी। राज सरकार अपराधा की रोकथाम अते पुलिस पब्लिक संबंधा विच सुधार लियाउण लई हेठ लिखे कदम चुकेगी। सुरक्षित शहर स्कीम साल 2012-13 विच अमृतसर ते लुधियाना सेफ सिटी प्रोजैक्ट अधीन लियांदे जाणगे। सुरक्षित शहर दा सिद्धांत एक समुचा सुरक्षित समाधान है जिस विच मौजूदा सुरक्षा तैनाती दे नाल अपराधक अते अतवाद गतिविधियां नाल प्रभावित खेतरां विच मैपिंग सूचना तकनीक दी एकीकरण अते जानकारी शामिल है। इस विच सैकड़े सीसीटीवी कैमरे वख-वख सेंसर ऑटोमैटिक लाइसेंस प्लेट रीडरस अते होर उपकरण लगाए जाण शामिल हन। इह सिद्धांत मुढ़ तों ही योजनाबंदी अते व्यौतकारी पद्धर ते समाज दे मैंबरां दी शमूलियत दी महत्ता नूं समझदा है। इस प्रोजैक्ट ते लगभग 135 करोड़ रुपए खर्च आउणगे। नाइट पुलिसिंग सरकार साल 2013-14 विच अपने नागरिकां दे बचाओ ते सुरक्षा विच सुधार लियाउण लई समुचे राज विच नाइट पुलिसिंग आरंभ करन दी योजना बना रही है। पुलिस बल दे एक हिस्से नूं कौमी शाहमार्ग राजमार्गां कारपोरेशन कस्बिआं अते होर प्रमुख कस्बिआं विच रात दी गश्त लई नियुक्त किया जाएगा। यह प्रोजैक्ट लई लगभग 1000 दुपहिया वाहन 700 मोटर गड्डियां की लोड़ होगी। इस ते लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। पंजाब दे वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने कहा है कि सेहत सेवावां दे मामले विच केंद्र सरकार ने पंजाब नूं अगे रख्या है ते केंद्र दी सहायता नाल कैंसर दी रोकथाम लई उपराले किए गए ने। भारत सरकार ने अपनी चौथी आम समीख्या मिशन रिपोर्ट विच सेहत बुनियादी ढांचे नूं उत्तम दस्या है अते राज नूं पहले स्थान ते रख्या है। मैडिकल अफसरां दी तैनाती नूं तर्कशील बनाउण लई एक प्लेसमेंट नीति नूं प्रभावी बनाया गया है। हर महीने होण वाले वाक इन इंटरव्यूज राहीं मैडिकल विशेषक दी नियुक्ति कीती जांदी है। पिछले साल विच 180 मैडिकल अफसरां 108 मैडिकल अफसरां डेंटल अते 388 मैडिकल अफसरां दी नियुक्ति कीती गई सी। हालांकि साल 2011 दी मर्दमशारी दे सोधे अनुमान अनुसार 513 नवें उपकेंद्र स्थापित करन दी लोड़ है। राज सरकार ने इस संबंध विच भारत सरकार नाल संपर्क कीता है अते सेहत संस्थावां दा नवीनीकरण भारत जन सेहत मापदंडां अनुसार करन दी मंग कीती है। कैंसर ते नशा मुक्ति कैंसर पंजाब विच इक अति गंभीर समस्या है जिस कारण सेहत विभाग द्वारा हाल ही विच कीते गए एक सर्वेक्षण अनुसार पिछले 5 सालों दौरान 34,430 मौतां होईयां हन। नशियां दी आदत एक होर गंभीर समस्या है जो साढ़े लोकां विशेष तौर पर नौजवानों की जीवन शक्ति नूं खोरा ला रही है। सरकार कैंसर के इलाज अते नशा मुक्ति लई साल दौरान हेठ लिखे कदम चुकेगी। अमृतसर पटियाला अते फरीदकोट विखे 3 सरकारी मैडिकल कॉलेजां अते संगरूर ते बठिंडा दे 2 ज़िला सदर मुकामां ते 300 करोड़ रुपए की लागत नाल अति आधुनिक कैंसर इलाज सुविधावां की स्थापना की जाएगी। इन्हां केंद्रां विच आधुनिक साजो समान अते इलाज सुविधावां होणगियां। राज सरकार अमृतसर पटियाला फरीदकोट बठिंडा अते जलंधर के मैडिकल कॉलेजां विच 3 दर्जे के 5 राज पद्धरी नशा मुक्ति केंद्रां दा स्थापित करेगी। अमृतसर विखे राज पद्धर दा नशा मुक्ति केंद्र पहला ही कार्यशील है। जिला ते उपमंडल पद्धर ते 31 होर नशा मुक्ति केंद्रां दी स्थापना की जाएगी जिन्हां विचों 10 पहला ही कार्यशील हैं। सरकार ने पहला ही डॉक्टर
ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।